बिना प्रैक्टिकल व थ्योरी की परीक्षा के छात्रों को डिग्री बांटे जाने पर राजकीय आईटीआई के प्रधानाचार्य निलंबित। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जनपद के आईटीआई विद्यालय द्वारा बिना प्रैक्टिकल व थ्योरी की परीक्षा के लिए छात्रों को डिग्री बांटे जाने की शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता एड मनोज राय हंस ने जिलाधिकारी से करते हुए जांच की मांग की थी। शिकायती पत्र में इन संस्थानों पर डिग्री के नाम पर करोड़ों रुपये वसूली का आरोप लगाया गया था। सिटी मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट में आईटीआई के प्रधानाचार्य नसीमुद्दीन को दोषी करार दिया गया था। जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन ने तत्काल प्रभाव से प्रधानाचार्य को निलंबित कर समस्त वित्तीय अधिकार सीज करते हुए निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना कार्यालय से संबद्ध कर दिया। इस कार्रवाई के बाद जनपद में आईटीआई केंद्र संचालकों में हड़कंप मच गया। बलिया से भानु मिश्रा की रिपोर्ट। दुकान पे हम लोगों से एक बार हम फोन से बुला करके ये लोग मिले थे, क्योंकि डॉक्टर अखिलेश राय मेरे मित्र हैं, इसलिए मैं उनके बुलाने पे आ गया। वहाँ गया तो उनके साथ 50 लोगों की फौज मेरे इंतजार में खड़ी थी। वो लोग हमसे मिले, डॉक्टर अखिलेश राय ने एक अच्छी तरीके से बात की। उसमें एक व्यक्ति और भी था जो थोड़ा ऊँची आवाज़ में उनसे बात कर रहा था, तो उन तमाम लोगों से मुझे खतरा की आशंका तो जरूर है, लेकिन इसके लिए मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। इस कार्रवाई जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन सुरक्षा के लिए आपने एसपी को दरखास्त दिया तो नहीं? आपने सुरक्षा के लिए हमने एसपी को, जिलाधिकारी को, हमने वो जो मेरे साथ घटना हुई उसके बारे में हमने बता दिया, क्योंकि सुरक्षा गार्ड लेने के लिए मेरी हैसियत नहीं है। अब प्रशासन मुझे बिना कुछ पे किए सुरक्षा गार्ड देने के लिए तैयार नहीं है, तो भगवान भरोसे ही जीना है, मजबूर है। अगर आपको कुछ होता है तो जिम्मेदारी कौन होगा? अगर कुछ होता है तो जिम्मेदारी सारे प्राइवेट आईटीआई विद्यालय और सरकारी आईटीआई विद्यालय के बड़े बड़े अधिकारियों की होगी। इसमें जिलाधिकारी और तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी संलिप्त पाए जाएंगे, क्योंकि ये लोग उन पर दबाव बनाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनको खुली छूट दे रखते हैं। वो मेरा पीछा भी कर रहे हैं, जहाँ भी कचहरी में जब मैं काम करता हूँ तो कहीं ना कहीं से मुझे ऐसी रिपोर्ट मिलती है कि वो लोग मुझे मेरी देख रेख कर रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्योंकि उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है।